I remember a story of a person by the name of David. Naam suna hai, David? Common naam hai. It's a common name which is there. But David ki ek kahani hai. Ki David jo hai na, aap aur mere jaisa nahi hai. Ye David jo hai, he's not a 5 feet, 6 feet tall guy. He's an 18 feet tall, handsome guy. The only difference between David and us is that hum jeete jaagte hain, hamare andar flesh hai, haddiyan hain, hamare andar maas hai, hum bol sakte hain, sun sakte hain, feel kar sakte hain, lekin David jo hai 18 feet ka hai aur wo marble ka bana hua hai. And this marble statue cannot move, cannot think, cannot talk, lekin zindagi ki dekhiye, vidamna dekhiye, look at the way life is, ki hum jeete jaagte log humse milne kam log aate hain, lekin usko milne saal mein kam se kam 10 lakh log jaate hain. To 18 feet ka statue David, one of the best known arts or one best known forms of art by a painter and a sculptor called Michelangelo, right? And the kahani uske piche aisi hai ki jab David jo banne wala tha ya David jo pehle bana nahi tha, it was a 18 feet long piece of marble aisa rakha hua tha. And bahut sare sculptors aaye, bahut sare artists aaye, usse pehle Leonardo Vinci aaye, kyunki wo he was born before Michelangelo was born. वो भी दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे. उन्होंने आके देखा उसको और बहुत सारे स्कल्प्टर्स आए. सबने देखा इस 18 फीट पीस ऑफ मार्बल को और सबने बोला इसमें कुछ नहीं बन सकता, ये फ्लॉड है, ये सिर्फ पत्थर है, वर्थलेस है. एंड देन आफ्टर मेनी इयर्स माइकल एंजेलो केम, ही सॉ दैट पीस ऑफ मार्बल एंड ही सेज मैं इसमें से कुछ बनाता हूँ. एंड देन ही स्टार्टेड कार्विंग आउट द स्टैच्यू ऑफ डेविड फ्रॉम देयर. स्टोरी गोज ऑन फर्दर, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं इसको देखते हैं डेविड के स्टैच्यू को, लेकिन स्टोरी सुन के नहीं आते कि स्टोरी क्या है. द स्टोरी गोज ऑन दैट एज ही वाज स्कल्पटिंग दैट स्टैच्यू फ्रॉम दैट पीस ऑफ मार्बल, अ स्मॉल बॉय कम्स एंड ही आस्क्ड माइकलएंजेलो, तुम कर क्या रहे हो, ये रोज तुम आते हो सुबह, रोज ये हथौड़ी छाना लेके आते हो, चिजलिंग करते हो, व्हाट आर यू डूइंग. एंड डेविड ही कुड नॉट मेक दिस स्मॉल लिटिल बॉय अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहा है. तो वो बोलता है उसको कि इस पत्थर के अंदर एक एंजल है, उस एंजल को मैं फ्री कर रहा हूं, उसको आजाद कर रहा हूं. एंड देन द बॉय वेंट, ही गोज बैक होम एंड ही इज वेरी हैप्पी दैट देयर इज एन एंजल व्हिच इज गोइंग टू कम टू लाइफ आफ्टर सम डेज. एंड एवरी डे ही वुड कम एंड एवरी डे ही वुड आस्क एंड डेविड वुड से, माइकलएंजेलो वुड से द सेम थिंग, इसके अंदर एंजल फ्री कर रहा हूं. एंड देन वेरी सून एन एंजल गॉट फ्री एंड एन 18 फीट एंजल स्टूड अप कॉल्ड डेविड. इसके पीछे एक और कहानी जो चलती है आगे, दैट पीपल हु गो देयर एंड दे कम बैक, इफ यू टू आस्क देम व्हाट डिड यू सी एंड दे विल से दैट वी सॉ डेविड. But what they miss out is the simple learning from there. That if a piece of marble, jisko achche achche sculptors ne kaha ye worthless hai, ye useless hai, ye flawed hai, uske andar se bhi ek itna badhiya statue nikal sakta hai, to hum log to jeete jaagte hain. None of us is flawed. None of us is worthless. Hum sab ke andar apna apna David chupa hua hai. Humne wo David ko bas carve karna hai. Humne apna apko sculpt karna hai. Kisi ka David yahan atka hota hai. You know? तो उसको बहुत कार्विंग करना पड़ता है. किसी का डेविड यहां अटका होता है तो उसको अंदर कुछ करना पड़ता है. सो लॉट ऑफ अस हैव आवर ओन डेविड्स एंड वी गॉट टू स्कल्प्ट. तो कोई वर्थलेस नहीं है, कोई यूजलेस नहीं है, कोई फ्लॉड नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ है. पहला लेसन. सेकेंड यह है कि डेविड जो है उसको, उसके और हमारे अंदर यह फर्क है कि बेचारा रुका हुआ था सालों साल, 100, 150, 200 साल वो रुका रहा कि कोई तो माइकल एंजेलो आएगा और वो मुझे चिजल करेगा. उसमें और हम में यह फर्क है कि पत्थर रुका रहता है लेकिन हम चल के जा सकते हैं किसी माइकलएंजेलो के पास और उसको बोल सकते हैं, यार राजा ये मेरे से नहीं हो रहा है, जरा तू करके जरा छेनी थोड़ी मार देना, तो थोड़ा सा मेरे अंदर का भी वो डेविड निकाल बाहर. द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोन एंड अस दैट वी कैन गो टू अ स्कल्प्टर. एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू केम टू अ स्कल्प्टर टुडे. सो ऑल ऑफ यू डेविड्स, आर वी रेडी टू बिकम डेविड्स? सो माइकलएंजेलो रेडी है, अब तुम थोड़ा डेविड बनने को तैयार हो जाओ. लेकिन उसमें एक और थर्ड एंगल भी है कि अगर पत्थर बोल सकता, अगर पत्थर कुछ कह सकता, तो जब जैसी उसको छेनी हथौड़ी की चोट पड़ती होगी तो उसको कैसा लगता होगा? थोड़ा दर्द होता होगा, थोड़ा सा यू नो डिस्कम्फर्ट फील होता होगा, लेकिन पत्थर है बेचारा, बोल नहीं सकता. तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तो तुम्हारा ना जरा सा हल्का सा छेनी हथौड़ी पड़ती है, तुम ऐसे तिलमिला जाती हो. पत्थर वाला डेविड कुछ नहीं बोलता, कहते यार जो है लाइफ में. और इस चक्कर में कि हम लोग को कंफर्ट चाहिए, इस चक्कर में कि हम लोग को वो सहना नहीं है दर्द, तो हम बहुत सी चीजें मिस कर जाते हैं. नॉट ओनली हियर इन दिस हॉल, आई एम सेइंग इन लाइफ ऑल्सो, वेदर इट बी योर वेट लॉस, वेदर इट बी योर हेल्थ, वेदर इट बी योर बिजनेस ग्रोथ, वेदर इट बी योर रिक्रूटमेंट, योर हायरिंग, योर एक्सपेंशन, कहीं ना कहीं
हम वो चोट खाने से डरते हैं।